हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सुपर वाई एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टार न्यूज़ एनालिसिस तो जो भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे आज फिफ्थ फरवरी है और आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इसके बारे में बात करेंगे एल टी टैक्स क्या है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए न्यूज़ में है और क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है प्रिडम्स में खास करके तो वट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो एल टी सी जी टैक्स जो है दैट इज अ टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट जनरेटेड बाय एन एसेट सच एज रियल इस्टेट शेयर और शेयर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स तो शेयर मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शंस पे जो प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट पे पे करना पड़ेगा उस प्रॉफिट पे पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स याद रखिए और इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क तो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क में जो प्रोडक्ट का एक्सचेंज हुआ है या ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उस पर यह टैक्स लगेगा सो वाई दिस एल टी सी जी टैक्स इज अ न्यूज़ नाउ तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली उन्होंने बजट पेश किया है और उस स्पीच में उन्होंने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है एल टी सी जी टैक्स को स्टॉक में इस वजह से न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गया है सो इन्वेस्टर्स विल हैव टू पे टेन परसेंट टैक्स ऑन प्रॉफिट एक्सीडिंग रुपीज़ वन लाख मेड फ्रॉम सेल ऑफ़ द शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम हेल्ड ओवर वन ईयर तो जो भी प्रॉफिट एक लाख से ऊपर की होगी उस पर देना पड़ेगा ये टैक्स और वो होगा टेन परसेंट टैक्स याद रखिएगा टेन परसेंट टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पर जब एक्सीड करेगा आपका प्रॉफिट वन लाख से ज़्यादा तो उस पर और कहाँ पर शेयर मार्केट में ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर प्रॉफिट होने पर पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कैपिटल कैपिटल गेन टैक्स के नाम पे ठीक है और अब इसका अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें इस, इस बजट में एक बात की गई है ग्रैंड फादरिंग के बारे में ग्रैंड फादरिंग इन एल टी सी जी वो क्या है तो देखिए ये जो वर्ड है हो सकता है प्रम्स में आ जाए अब कुछ पता नहीं होता है कि क्या क्वेश्चन बनेगा तो अभी न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही है इस वजह से हम जान लेते हैं ये जो ग्रैंड फादरिंग वर्ड है ये ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में इसका यूज़ किया जाता है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है तो ये जो टैक्स अभी लगाया गया है ये कैपिटल गेन टैक्स वो एप्लीकेबल होगा फ़र्स्ट अप्रैल 2018 से याद रखिएगा फर्स्ट अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल होगा अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो अभी तक यानी कि 31 मार्च तक जितने भी अभी तक लोगों का बेनिफिट हुआ है शेयर मार्केट में जो भी उनके प्रॉफिट हुए हैं चाहे वो अबव वन लाख हुआ हो या अबव टू लाख हुआ हो उनको इस टैक्स में टैक्स नहीं देना पड़ेगा मतलब उस टाइम तक एग्जेप्ट रखा गया है इस टैक्स को 31 मार्च तक तो ये जो एग्जेम्पन ग्रांट किया गया है इसी को ग्रैंड फादरिंग बोला जा रहा है एंड वॉज द टैक्स लिविड ऑन स्टॉक मार्केट ट्रेडर अर्लीयर तो पहले क्या था पहले क्या प्रावधान थे तो 2004 में पी चिदम्बरम साहब ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था वो था सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एस लगाया था शेयर मार्केट में और इसमें ऐसा प्रावधान था कि लोगों को 0.1 परसेंट देना पड़ता था ट्रांजेक्शन पर याद रखिए प्रॉफिट पर नहीं जो सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन होता था उस ट्रांजेक्शन में बहुत छोटा सा अमाउंट था ज़ीरो पॉइंट वन परसेंट का ये टैक्स उनको देना पड़ता था जो लोगों को पता भी नहीं चलता था लेकिन उस ट्रांजेक्शन से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि कौन से लोग शेयर मार्केट में कितना पैसा प्रॉफिट पे लेके जा रहे हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन से सारा का सारा अमाउंट जो डाटा होता था वो गवर्नमेंट के पास पहुंचता था और उससे जो पूरा सर्वे आया था उस सर्वे में बताया गया कि 2016 में एक डाटा स्टडी की गई उस स्टडी में बताया गया कि 2005 से 6 और 2011 से 12 के बीच में कुल 3.5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो नहीं मिला गवर्नमेंट को बिकॉज ऑफ दिस एस क्योंकि 2004 में एल को हटा के एस ले आया गया था एल पहले भी था याद रखेगा और उसके बाद जब एस आया था तो इतने रुपए का नुकसान हुआ था और एक्चुअली uh, ऐसा होता है कि uh, जो शेयर मार्केट में लोग नॉर्मल लोग होते हैं जो uh, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो ऐसा कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करते क्योंकि ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं था और ज़ीरो पॉइंट वन परसेंट जो लिया जाता था उससे सिर्फ ये पता चल पाता था कि किसके पास कितना पैसा है और कितना कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है अब उसके बाद uh, अगर लोग टैक्स बचा रहे हैं तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाया करता था इस वजह से Uh, अभी वापस से ये एल को इंट्रोड्यूस कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने तो इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा एल क्या है ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है आखिर ये क्या है कितना परसेंट का लगेगा ये भी याद रखिएगा और पहले ये था कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है ग्रैंड फादरिंग क्या है तो ये सारे की वर्ड्स हैं जो हमें याद रखना है इस बार के एग्जाम के लिए नेक्स्ट न्यूज़ है आयुष्मान भारत फॉर न्यू इंडिया टू टू तो ये आयुष्मान भारत क्या है देखिए अभी फिर से गवर्नमेंट ने अभी बजट में इस इनिशिएटिव uh, को लॉन्च किया इसमें दो मेजर इनिशिएटिव्स हैं याद रखिएगा और ये जो आयुष्मान भारत है ये हेल्थ सेक्टर में है याद रखिए हेल्थ सेक्टर में चीज़ों को और अच्छा करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है एंड इट वॉज एम्ड एट मेकिंग पास्ट मेकिंग इंटरवेंशन टू एड्रेस हेल्थ हॉस्पिटेलिटी इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड एंडरी केयर सिस्टम तो हर सेक्टर में चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शरी तीनों सेक्टर में केयर सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके दो इनिशिएटिव हैं ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है एक तो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये इसी आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत भारत में हर जगह लगाए जाएंगे सेंटर्स खोले जाएंगे और द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 थाउजेंड सेवनटीन हैज़ इन्विजेंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज हेल्थ सिस्टम तो इंडियाज़ के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उस फाउंडेशन को और मजबूत बनाने के लिए हर जगह पर एक सेंटर तैयार किया जाएगा तो 1.5 पॉइंट फाइव लैख सेंटर्स विल ब्रिंग हेल्थ केयर सिस्टम क्लोज़र टू द होम ऑफ द पीपल मतलब लोगों के घरों के आसपास इस सेंटर को बनाया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड द मेटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज तो उस सेंटर में तो इस सेंटर पे हर तरीके की बारे से नॉन कम्युन कम्युनिकेबल डिजीज़ से लेकर के मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ केयर तक की सुविधाएं सेंटर पर मौजूद होंगी एंड डिस सेंटर विल आल्सो प्रोवाइड फ्री एसेंशियल ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि फ्री ड्रग्स भी इसमें दिए जाएंगे जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं और जो सर्विसेज हैं डायग्नोस करने के लिए वो सभी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे सेंटर पर लोगों को और इसका दूसरा जो स्कीम है वो है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इसके अंदर इट इज़ अ सेकेंड फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर द आयुष्मान भारत इन नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम तो जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है ये दूसरा स्कीम होगा आयुष्मान भारत के अंदर और इसमें टोटल टेन करोड़ पुअर और वर्नरेबल फैमिलीज़ को हेल्प दी हेल्प दिया जाएगा जिसमें कि टोटल 50 करोड़ बेनिफिशरीज़ होंगे आप समझिए बहुत बड़ा डाटा है ये और यहाँ पे 10 करोड़ पुअर एंड वर्नरेबल फैमिलीज़ की बात की गई है 10 करोड़ पीपल की बात नहीं की गई है और 10 करोड़ फैमिलीज़ में टोटल 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जिनको कि इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा एंड प्रोवाइडिंग कवरेज प्रोवाइडिंग कवरेज अप टू फाइव लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी और हर फैमिली को सेकेंडरी टर्शरी केयर प्रोवाइड करने के लिए फ़ाइव लाख रुपीज़ तक देने का भी प्रावधान रखा गया है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम पूरे अच्छे से याद रखना है जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है दैट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम एंड दीज टू हेल्थ सेक्टर इनिशियेटिव अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम है डेफिनेटली ये जो दो इनिशियेटिव लाए गए हैं आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत उससे एक नई इंडिया की शुरुआत हो पाएगी और जो न्यू इंडिया मिशन है उसको अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी एंड दीज स्कीम्स विल ऑल्सो जनरेट लैक ऑफ जॉब्स पर्टिकुलरली फॉर वुमन तो ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन याद रखना है क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है प्रलम्स में कि दिस स्कीम इज गोइंग टू हेल्प द वुमन ऑल्सो और द क्रिएटर लैक्स ऑफ जॉब्स तो बिल्कुल सही होगा वो और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इसको याद रखना है नेक्स्ट न्यूज है गलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन दैट इज कॉल्ड गोबर धन और ये गोबर धन क्या होता है uh, इसको अभी uh, बजट में पेश किया गया है और इसमें uh, बोला गया मैनेज एंड कन्वर्ट कैटल डंग एंड सॉलिड वेस्ट इन द फार्म कंपोस्ट बायो गैस एंड बायो सी तो जितने भी कैटल ड होते हैं या फिर जितने सॉलिड वेस्ट पाए जाते हैं खेत खलियनों में फार्म्स में उससे कंपोस्ट तैयार किया जाएगा उससे बायोगैस तैयार किया जाएगा या फिर उससे बायो सी तैयार किया जाएगा और लोगों को इससे हेल्प की जाएगी एंड also फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस that द 187 project have प्रोजेक्ट हैव बीन सेंक्शनड अंडर जैसा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो नमामि गंगे प्रोग्राम में चल रहे हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और रूरल सैनिटेशन के लिए जो ओपन डेफिकेशन का प्रोग्राम है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है ये भी काफ़ी बहुत बड़े पैमाने चल चले हैं 47 प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्किंग है इसके अबल तो अभी तक 4,465 गंगा ग्राम्स विलेजेस हैं जिनको की ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी और ये जो जिससे कंपोस्ट बनाना है तो आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजर वगैरह का काम बहुत अच्छे से हो पाएगा फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये खास करके इस बार के प्रमेंट्स के लिए इसको याद रखेंगे नेक्स्ट uh, न्यूज़ है इकलव मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तो ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ये क्या है इट विल प्रोवाइड एजुकेशन टू ट्राइबल्स इन देयर लोकल एनवायरनमेंट बाय 2022 आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इसमें ये जो स्कूल है इसमें जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है उनको हेल्प मिलने वाला है तो वहाँ पे क्वेश्चन में एस सी हो सकता है या ओ बी सी ऐसा कुछ लिखा हुआ हो सकता है तो आपको याद रखना है कि एस टीज़ के लिए जो ट्राइबल एरियाज़ में शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी लाई गई है ये एजुकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा और एटलीस्ट ट्वेंटी थाउजेंड ट्राइबल पीपल विल हैव एन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स तो ऐसे एरिया जहाँ पे कि दो बीस हज़ार से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर इस स्कूल को तैयार किया जाएगा और ये जो स्कूल होगा वो नवोदय विद्यालय का पार्ट होगा एंड प्रोवाइड फॉर स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर प्रिजर्विंग लोकल आर्ट्स एंड कल्चर बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स एंड स्किलिंग डेवलपमेंट तो वहाँ पे हर तरीके की ट्रेनिंग्स उनको दी जाएगी स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी आर्ट एंड कल्चर की ट्रेनिंग दी जाएगी और इससे उनको काफ़ी uh, मदद मिलेगी डेवलपमेंट में खास करके नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट डॉलर वन मिलियन टू यू एन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फ़ंड इंडिया ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है वन मिलियन डॉलर का और ये ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करेगा साउथ साउथ कोपरेशन में साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब आप यहाँ पे समझिए ये आईआर का टर्म है साउथ साउथ कापरेशन वैसे ही नॉर्थ नॉर्थ कोपरेशन होता है और वैसे ही नॉर्थ साउथ कोपरेशन होता है इसमें क्या होता है जो भी कंट्रीज़ हैं जो साउथ में आती हैं यानी कि अगर आप ग्लोब को देखें तो ऊपर आप ध्यान से देखिए जो नॉर्थ नदर्न रीजन में जो कंट्रीज़ uh, हैं वो सारे कहीं कही ना कहीं रिच हैं डेवलप्ड हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ और इवन ऑल द कंट्रीज़ यू कैन से बट जो साउदर्न फेमिसफेयर uh, में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो इन 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 देशों का जब uh, यहाँ पर जब साउथ साउथ काऑपरेशन होगा तो मतलब साउदर्न रीजन में आने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनका आपस में कापरेशन हो रहा है नॉर्थ साउथ कापरेशन का मतलब होता है नर्दर्न रीजन में जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कॉपरेशन कर रही हैं तो ये जो इंडिया ने इसमें असटेंट प्रोवाइड किया है या जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है इतना मिलन का वो शो uh, करेगा एक साउथ साउथ को को और स्ट्रेंथन करेगा एंड इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इट द कंट्रीब्यूशन एम्स टू इंटेंसिफाई इट्स पार्टनरशिप विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन द साउथ तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिलेशन है हमारा जो पार्टनरशिप है अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ वो इन्हांस होगा और ये जो इंडिया यू एन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है ये क्या है इसको 2017 में बनाया गया था इसको 9 जून 2017 हजार सत्रह में सेटअप किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे वर्ल्ड ओशियन डे के ओकेजन पे इसको बनाया गया था और इट इज़ द पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइट नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन तो यू एन ओ एस एस सी और इंडिया के बीच का ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है एक फंड है और इसको मैनेज करती है यू एन ओ एस एस सी याद रखेगा और इसका जो पूरा एम होगा वो क्या होगा कि uh, जो साउदर्न कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं खास करके वहाँ से uh, एक uh, पार्टनरशिप कोऑपरेशन को बढ़ाना हेल्थ प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग पॉवर्टीज एंड हंगर इंप्रूविंग हेल्थ एजुकेशन इक्वलिटी तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन करने में ये जो फंड है वो काम करता है और मदद करता है तो आज का टॉपिक हम लोगों ने कौन कौन सा देखा है एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात की कि जो एल टैक्स है वो क्या होता है कई सारे इसमें हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात की है प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ लें फिर हमने आयुष्मान भारत फॉर न्यू इंडिया इनिशिएटिव की बात की उसमें दो इनिशिएटिव के बारे में हमने देखा और गेल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन जो कि गोबर धन उसके बारे में हमने बात की है एंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ओपन किया जाएगा और uh, नवोदय विद्यालय का ये एक पार्ट होगा इसके अलावा जो न्यूज़ हमने देखा वो था इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में कुछ बात की है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे ही पॉइंट्स प्रिलिम्स uh, के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो ठीक से आप लोग इसको पढ़ लें उसका नोट्स क्रिएट कर लें तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी है फॉर वॉचिंग द डिस्कशन थैंक यू थैंक कीप चले